अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन खुफिया एजेंसी का बड़ा इंकशाफ। CSIS का कहना है कि भारत और पाकिस्तान ने कैनेडा के इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश की। 2019 और 2021 में कैनेडा के वफाकी इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश की गई। कैनेडा में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, लाखों घर बिजली से महरूम। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि मुतासर इलाकों में 25 सेंटीमीटर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। वीकेंड पर शहर का मौसम गर्म रहने का इम्कान। इकदामात ना किए तो अमरीकी पॉलिसी तब्दील हो सकती है, बाइडन ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का इसराइल के साथ सिफारती राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। इसराइल का गजा में इमदाद की फराहमी के लिए आर्जी रास्ते खोलने का ऐलान। इसराइल को गजा जंग को फौरी ख़त्म करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल लोगों का कत्लेआम बंद करे। ईरान की जानिब से रद्द अमल के खदशे के पेश नज़र इसराइल ने सिफारत खाने खाली करना शुरू कर दिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ki khufiya agency ne manzar-e-aam par aane wali dastavezat mein kaha hai ki Hindustan aur Pakistan ki hukumaton ne 2019 aur 2021 mein Canada ke wafaqi intikhabat mein mudakhalat karne ki koshish ki. Mazeed tafseelat is report mein. कनाडा की खुफिया एजेंसी ने मंजर आम पर आने वाली दस्तावेजात में कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने 2019 और 2021 में कनाडा के वफाकी इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश की। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से लिखे गए एक गैर मुरतब शुदा खुलासे के मुताबिक 2021 में भारतीय हुकूमत ने मदाखलत करने का इरादा किया था और मुमकिन तौर पर कनाडा में हिंदुस्तानी हुकूमत की प्रॉक्सी एजेंट का इस्तेमाल करने समेत खुफिया सरगर्मियां की थीं। CSIS के मुताबिक दो साल पहले 2019 में कनाडा में हुकूमत पाकिस्तान के हुकाम ने कनाडा में हुकूमत पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाने के मकसद से कनाडा की वफाकी सियासत पर खुफिया तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की। गैर मुल्की मदाखलत की तहकीकत के वफाकी कमीशन के हिस्से के तौर पर पेश किए जाने वाले दस्तावेजात में सख्त जायजे मौजूद हैं। अवामी इंक्वायरी 2019 और 2021 के वफाकी इंतखाबात में चीन, भारत, रूस और दीगर की मुमकिन मुदाखलत का जायजा ले रही है। तमाम रिपोर्ट्स में समरियों के मुमकिन तौर पर गैर मुसद्दिका, वाहिद जरिया या नामुकम्मल होने के बारे में एहतियात की गई है। CSIS के डायरेक्टर डेविड विग्नॉल्ट ने अवामी इस्तफसार को बताया कि जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस हकीकत हो और कहा कि इसके लिए मजीद तफ्तीश की जरूरत पड़ सकती है। कनाडा के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की गैर मुल्की मदाखलत का मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सियासी, सलामती और इक्तिसादी इस्तेहकाम को फरोग देना और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए आलमी असर व रसूख का मुकाबला करना था। कैनेडियन खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान 2019 और 2021 में एक महदूद गैर मुल्की मदाखलत करने वाला अदाकार था। 2019 के इंतखाबात के मामले में CSIS ने कहा कि कनाडा की हुकूमत ने वोट से पहले इसे ख़तरे में कमी का इकदाम कहा, जिसका मकसद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लाहक गैर मुल्की मदाखलत के ख़तरे को कम करना था। CSIS का कहना है कि इसकी इंटेलिजेंस से पता चलता है कि भारत की 2019 और 2021 के हुकूमत ने वफाकी इंतखाबात में भी मदाखलत की। भारत ने भारत नवाज उम्मीदवारों की हिमायत की। CSIS का कहना है कि 2021 में हिंदुस्तानी हुकूमत की गैर मुल्की मदाखलत की सरगर्मियाँ इंतखाबी अजला की एक छोटी तादाद पर मरकूज थीं। CSIS का खुलासा ये कहता है कि उसने इंटेलिजेंस का एक
इदारा इकट्ठा किया है जो हुकूमत हिंद की तरफ इशारा करता है कि प्रॉक्सी एजेंट ने हिंदुस्तान नवाज उम्मीदवारों को गैर कानूनी माली मदद फराहम करके जमहूरी अमल में मुदाखलत करने की कोशिश की होगी। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निजाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। ताहम ताहाल सड़कों पर हादसात और किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निजाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। ताहम ताहाल सड़कों पर हादसात और किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है। सड़कों पर मुतादित हादसात रोनुमा हुए मगर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। बर्फानी तूफान से कनाडा का मगरबी हिस्सा ज्यादा मुतासर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन सूबे क्यूबेक और ऑनटेरियो के जुनूब मशरकी हिस्सों से लेकर न्यू ब्रंसविक और सूबे नोवा स्कॉशिया में शदीद बारिशें देखने में आई हैं, जबकि क्यूबेक में बर्फानी तूफान ने निजाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉन्ट्रियल समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 लाख घर बिजली से महरूम हो गए, जबकि सख्त तरीन मौसम की वजह से तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। महकमा माहौलियात का बताना है कि मुतासरा इलाकों में 25 सेंटीमीटर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब इस वीकेंड पर टोरंटो का मौसम मामूली गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई है। मस्जिद अक्सा में मुनाकिदा नमाज जुम्मतुल विदा के इज्तिमा में लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज बाजुमात अदा की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई है। मस्जिद अक्सा में मुनाकिदा नमाज जुम्मतुल विदा के इज्तिमा में लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज बाजमात अदा की। रमज़ान मुबारक के शुरू में इजरायली फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया था। गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के वाक़े के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुनक़ता कर दिए, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू से फ़ोन पर राब्ते के दौरान खबरदार किया है कि अगर इसराइल इंसानी बहरान से निमटने और इमदादी कारकुनों के तहफ़ के लिए ठोस इकदाम नहीं करता है तो गजा में जंग के हवाले से वाशिंगटन की पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर बाइडन और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अमरीकी सदर ने गजा में मौजूद इंसानी सूरत हाल नाकाबिले कबूल करार देते हुए फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन कॉल गजा में इसराइली फिजाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद दोनों रहनुमाओं की पहली फ़ोन कॉल थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने इसराइल को शहरियों के नुकसान, इंसानी मसायब और इमदादी कारकुनों की हिफाजत के लिए मखसूस और ठोस इकदाम का ऐलान और उन पर अमल दरामद करने की ज़रूरत को वाज़ेह किया। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब उनसे पूछा गया कि व्हाइट हाउस इसराइल से किस किस्म के ठोस इकदाम देखना चाहता है तो कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि इमदादी सामान के लिए सरहदों को खोला जाए और मजीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि वो तवक्को करते हैं कि इसराइल मुस्तकबिल करीब में नई तब्दीलियों का ऐलान करेगा। अमरीकी बयान में इस बात की वजाहत नहीं की गई कि सदर बाइडन इस तनाज़े के बारे में अपनी पॉलिसी किस तरह तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस पर जोर दे रहे हैं कि वो इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद मुकम्मल तौर पर रोकने पर गौर करें। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ फ़ोन कॉल के दौरान सदर बाइडन ने इंसानी सूरत हाल को मुस्तहकम करने, बेगुनाह शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि यरगमालियों को घर पहुंचाने के लिए इसराइल जल्द अज जल्द मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल लोगों को मारना बंद करे। उन्होंने कहा कि इसराइल को गजा जंग को फौरी ख़त्म करना होगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल लोगों को मारना बंद करे। उन्होंने कहा कि इसराइल को गजा जंग को फौरी ख़त्म करना होगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल लोगों को मारना बंद करे और अमन की तरफ लौटे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को फलस्तीनियों पर बमबारी की वीडियोज़ जारी न करने का भी मशवरा दिया। साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि हमलों की वीडियोज़ जारी करने से इसराइल ताल्लुकात आमा महाज पर नाकाम हो रहा है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से रद्द अमल के खदशे के पेश नज़र इसराइल ने सफारत खाने खाली करना शुरू कर दिए। इसराइली अखबार के मुताबिक ईरानी रद्द अमल के खदशे के पेश नज़र इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि रिजर्व फौजी भी तलब कर लिए हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।